हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और दोस्तों, आज हम जा रहे हैं, बच्चों को कुछ सरप्राइज दिया था मैंने कल कि मैं तुम्हें कल घुमाने ले जाऊंगा कहीं, और ये पूरा दिन से इसकी वेट कर रहे थे कि कहाँ लेके जाएंगे पापा, कहाँ लेके जाएंगे। तो मैं अभी इनको बता नहीं रहा हूँ, और जब जाऊँगा तभी पता चलेगा। और बच्चों, आर यू रेडी फॉर द सरप्राइज? यस, मैं पूछने जाता हूँ, पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम जा रहे हैं। और नीव बुज बोलो, हम जा। ये देखो, दोनों तैयार हैं, बिल्कुल लगे हुए हैं अपने प्रिपरेशन करने में। नीव को देखो, तैयार हो रही है। नीव चल रहे हैं सरप्राइज। पता वैसे तो मुझे पता नहीं है, सरप्राइज सरप्राइज नीव कहाँ, कार में नहीं जाना ना बाइक पे जाना है। माइक मार, हम रेडी हो चुके हैं और हम जा रहे हैं। आंटी जी नमस्ते। नमस्ते बाबू, नमस्ते। चलो नमस्ते। हमारी लोकेलिटी है, कौन से देख लीजिए इन बच्चों को, इनको बिल्कुल भी इल्म नहीं है कि ये कहाँ जा रहे हैं, क्या सरप्राइज है, कुछ पता नहीं है। ये देखो नाचते हुए जा रहे हैं। ये यहाँ पे भागते दौड़ते हैं, और पुलिस आ गई। मैं इनको जब ज़्यादातर फिजिकल टास्क ज़्यादा कराता हूँ ताकि इनके एक्टिविटी रहे और बच्चे एक्टिव भी रहते हैं। इससे पैदल ही ले जा रहा हूँ इनको, एक्चुअली मैं इनको मॉल ले जा रहा हूँ, मैंने बताया नहीं है इनको वहाँ पे। इनको मियो, स्कूल के पास से आने के बाद आपको कैसा लग रहा है कि स्कूल जाना है? ऑनलाइन जाना चाहते हो, ऑफलाइन? ऑफलाइन। कोरोना का कोई डर नहीं है? कोरोना क्या भाड़ में? कंसेंट भी नहीं लिया मुझसे, अपने पापा से भी कंसेंट नहीं ले रही है। इनको जैसे ले जा रहा हूँ तो मुझे अपने बचपन की याद आ रही है, जब हमारे पिताजी हमें मेले में ले जाया करते थे तो हम बहुत दूर दूर तक पैदल जाया करते थे, फिर वो हमें अपने कंधे पे बिठा के मेला दिखाते थे। सच में बहुत याद आती है अपने पिताजी की। अब वो इस दुनिया में नहीं है फिर भी, लेकिन उनकी बहुत याद आती है। तुम्हें क्या लगता है क्या सरप्राइज होगा? पता नहीं। क्या होगा फिर भी? पता नहीं। बाबू क्या सरप्राइज होगा? दस क्या सरप्राइज होगा? तुम्हें भी नहीं पता? रेस्टोरेंट में तो नहीं। तो देखो, हेलो दस, कोरोना के बीज हैं वो। कितने खुश हो रहे हैं, मेट्रो को बहुत दिनों बाद देखा ना उन्होंने, कोविड में बाहर नहीं निकल पाए। हाँ, काफ़ी दिनों बाद निकले ना। बाटी चूरमा, ये साउथ इंडियन साउथ इंडियन गोलगप्पे नहीं, इडली। ये है हमारा रिंकिया के चाट भंडार, रिंकू चाट भंडार, राम लड्डू। और ये हमारा ले जाएंगे, और ये दवाइयों की दुकान है, साथ में ठंडी बियर है, दवाइयों के साथ दारू भी है, दवा दारू का पूरा इंतजाम है यहाँ पे। और इनका सरप्राइज देख लिया, सरप्राइज ये है तुम्हारा सरप्राइज, पहले कुछ खा लो। आज इनको मैकडी पे जाते हैं। बैठ जा। ये क्या कर रहा है? अरे भाई ये क्या हो रहा है, इसके यहाँ सूसू हो रहे हैं, डेंगू के मच्छर हैं। बाबू आ जा अंदर, चलो अंदर मी, चल बैठो। क्या खाओगे तुम दोनों? मैं तुम उधर बैठ जाऊँ, बताओ क्या खाओगे दर? क्या खाओगे इधर? हैं? हाँ भी, बाबू क्या खाएगा? फ्रेंच फ्राइज। तुम बर्गर नहीं खाना? बर्गर 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 खाएगा? बर्गर खाएगा बर्गर। ये बहुत दिनों बाद आज मैकडी में आए हैं, कम से कम 1.5 साल बाद। बच्चों तुम कितने साल बाद आए हो यहाँ पे आज?
वन ईयर से ज्यादा हो गया, डेढ़ साल हो गया। गर्म होगा वो अंदर से आराम से। हाँ बहुत टेस्टी है, आराम से खाइए, गर्म है बहुत। मेरे तुम्हें कैसा लग रहा है? अच्छा आराम से, आराम से। मैं तुम्हें कैसा लग रहा है? ठीक है, गर्म है, कैसा है? एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए सबसे बड़ा ट्रीट यही होता है कि वो चला जाए मैकडी में और बच्चों को खिला दे सिर्फ आलू टिक्की बर्गर। जेब पे भारी भी नहीं होता है और अच्छा भी लगता है। और आज हम पहली बार जो ब्लॉग बना रहे हैं बाहर, आउटसाइड ब्लॉग हमने कभी बनाया नहीं है। हाँ खा लो, तो क्या खाना है? खाना है क्या? खाना है सॉफ्टी? तुम भी लोगे? तुम्हारे लिए भी लाऊं? लेना है तुम्हें? आज इनका सरप्राइज मुझे लग रहा है अच्छा लग रहा है इनको। अभी ये सरप्राइज ख़त्म नहीं हुआ और अभी इसमें दुगना मज़ा आने वाला है क्योंकि हम तुम्हें कुछ कहीं और लेके जाने हैं। इसका मुंह में चलो जाते हैं, देखते हैं क्या है। पुच्ची कर देगा। मैं कह रहा हूँ कि जब हम छोटे थे तो मम्मी पापा हमारे, हम कहते थे ना पापा दो रुपये की आइसक्रीम दिला दो, दो रुपये की आइसक्रीम दिला दो। पता क्या करते थे? हमें चाटा देके चुप करा देते थे पर आइसक्रीम नहीं दिलाते थे। पर आजकल के बच्चे, एक बार आपने कैसे आइसक्रीम खाई है देखिए, उन्होंने बिल्कुल नक्काशी कर दी है बिल्कुल। मैंने एक भी नैपकिन यूज़ करा पर भी देखिए आपका मुंह लेकिन बहुत गंदा हो रहा है। दर्श को देखो कैसे खा रहा है। क्या हो गया? बेटा ये मैकडोनल्ड है, देख मैकडोनल्ड भैया हैं ये, इनके मुंह में क्या हो गया? ये नाक पे क्या हो गया? आंखों से आंसू भी आ रहे हैं इनके। चलो एम फॉर मीनाक्षी, एम फॉर मीनाक्षी तो बोले मैंने, एम फॉर मीनाक्षी। चलो मेरी स्टूडेंट और आने वाली है, उसका वेट कर रहे हैं। बोले झूले देखो उसके चेहरे पे कितनी चमक आ गई है। बेटा किताबें तो नहीं उठाते तुम, किताबों में किताबें बोल दो तो इनके चमक सारी गायब है। झूला झूलते देखते ही खुश हो जाते हैं। ड्रैगन वाला करना है पहले। चलो ये ड्रैगन है, पर ये बंदा कहाँ है जिस जो टिकट काटने वाला बंदा गायब है। दोस्तों देखो हम यहाँ पे झूला झूलने आए थे और यहाँ झूला झुलाने वाला नहीं है कोई, ये सरप्राइज हमारे साथ ही हो गया क्या? ये आ गए झूला झुलाने वाले। भैया झूला झुला दो बच्चों को। चलो बच्चे चल दिए हैं। दाश पकड़ के रहना, दाश पकड़ के रहना। 5 मिनट मैंने चेक कर लिया कितना है ना, 5 मिनट का ये चक्कर है और ये बच्चों के लिए बहुत दिनों से बाहर नहीं निकले थे। चलो मैंने कहा चलो बाहर निकलो और मज़े करो, थोड़ा सा एंजॉय भी करना चाहिए। लाइफ एक मोनोटोनस हो गई थी काफ़ी दिनों से, बच्चे बाहर नहीं घूमे तो उन्होंने देखा ही नहीं है बाहर काफ़ी दिनों से, मतलब घर में ही रहा है और ऑनलाइन क्लासेस और ये सब। डायनासोर का देखो मुँह कितना प्यारा है। कूद जाओ, एरोप्लेन में झूलेंगे अभी बच्चे हमारे, एयर इंडिया फ्लाइट। ये स्टार्ट होने वाला है झूला इनका, दोनों तरफ से कबूतर, कबूतर के आगे एक कबूतर, कबूतर के पीछे दो कबूतर और बीच में 3 कबूतर। मजा आ रहा है? मैंने एक ऑब्जर्वेशन देखी, ये जो टायर है ये ही कोलंबस को आगे पीछे करते हैं। हाँ अच्छा,
कितना खुश हो रहे हैं देखो। और ये हैं बापूजी की तीन बंदरियाँ देखो। क्या पसंद नहीं आया? क्या रेट पसंद नहीं आया? मीनाक्षी तुम्हें तो वही पान पसंद आएगा ना जो शुक्र बाजार का, 35 रुपए सेल, 35 रुपए सेल, 35 रुपए रस्ते का माल सस्ते में। मैंने देख लिया इन्होंने, अब ये पागल हो गए दोनों के दोनों। बाबू कैसे लग रहे हैं पैक में? रियल लग रहा है, बहुत दिनों बाद आए हैं ये दोनों। पागल हो चुके हैं मॉल में आके ऐसे घूम रहे जैसे कभी जिंदगी में कोई मॉल में ही नहीं आए। ये हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए एक स्विमिंग पूल है, बच्चे यहाँ पे आते हैं और यहाँ कहते हैं जाओ बेटा जाओ घूम लो, स्विमिंग पूल है ये। मियो चांद पे सबसे पहले कदम किसने रखा था? मुझे पता है पर मैं बताऊंगी। तुझे पता ही नहीं है? मैं बताऊं? बाहुबली ने। बाहु का मतलब क्या होता है? आम। और बली स्ट्रॉन्ग। तो क्या बन गया? आम स्ट्रॉन्ग। बाहुबली जय हो। शॉप का नाम क्या है? बहुत हो गया बेटा, मॉल बहुत भूल लिए। नहीं कोई मॉल वॉल नहीं चलना बेटा, एक दिन में सारा खत्म करोगे, बड़ा निकाल दोगे कि अगले कुछ कल के लिए भी तो कुछ छोड़ो बेटा। ये ठेके की भीड़ देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पे। वाइन एंड बियर शॉप, वाइन एंड बियर। अगर कहीं किसी से पूछ लो कि थारू का ठेका कहाँ है, बापू बड़ी खुशी से बताएगा, वो सामने रहा होगा भैया उधर से ले लेना यूँ साइड में, और वो पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। और किसी से भी पूछ लो कोई समझदारी। ओहो ये क्या हो गया, भाई की कोल्ड दारू गिर गई। ये देखो दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। मिल्क पिज्जा खाएगी? पिज्जा हट। खोया खोया चांद खुला आसमान। बाय दीपिका। दोस्तों अब हम आ चुके हैं और घर आ गए। हाँ हाँ समझ गया, खाना नहीं बनाना ठीक है, बाहर से लाना है। देखो चेहरे पे मुस्कान आ गई है, एकदम हल्की हल्की मुस्कान आ रही है ना, अच्छा लग रहा है ना। सच्ची में थक गई हूँ यार। लेडीज की सबसे बड़ी समस्या या घर की बहुत बड़ी समस्या क्या है पता है आपको? कि सब्जी क्या बनाऊँ। इसे राष्ट्रीय समस्या घोषित कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं जा रहा हूँ बाहर से कुछ सब्जी लेने के लिए, और रोटी भी लेके आनी है। हाँ ठीक है ठीक है, आज इनको एंजॉय करने दो, जब बच्चों ने एंजॉय कर लिया तो बच्चों की मम्मी को भी तो एंजॉय करने दो। हाँ हाँ जा रहा हूँ मैं, लेने जा रहा हूँ तो मैं बनाऊंगी ना तो 9:30 हो जाएगी फिर। अरे छोड़ो मुझे पता है तुम्हारा बहाना है, जा रहा हूँ लेने के लिए, लेने जा रहा हूँ। हाँ हाँ मैं लेने जा रहा हूँ दोस्तों, अभी मैं बाहर कुछ लेने जा रहा हूँ ठीक है, पता नहीं क्या लेके आता हूँ। और दोस्तों आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय 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 बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।